पर जो है ये इस तरह से बैठा कर खिला रहे हैं, काफ़ी आधा हुआ इत्राम के साथ जो है यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। 30 की 40 की 50 की जैसे भी हो, 30 की 40 की 50 की। अच्छा तो कैसे जाएगा होता है इसका, ये तो ग्राहक बताएंगे। तो देखिएगा ये यहाँ पर काफ़ी सारे खा रहे हैं, तो इनसे खाने वाले से बात करेंगे और पता करेंगे किस तरह का टेस्ट होता है। जी क्या हाल चाल है आपके? जी क्या नाम है आपका? फखरुल हसन। जी कहाँ से हो आप? मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। जी मुजफ्फरनगर, तो यहाँ क्या करने के लिए आए थे आप? बकरों का व्यापार करता हूँ। बकरों का व्यापार करते हैं? भैया कितने रुपए जोड़ी दे रहे हो? 100 रुपए जोड़ी। 100 रुपए जोड़ी। तो देखिएगा कितने प्यारे चप्पल 100 रुपए जोड़ी यहाँ पर जो आपको इतवार बाजार में मिल जाएगा। दोस्तों ये जो है जिस तरह का छिप्पा होता है, और ये छिप्पे लेने के लिए आए थे और हमने बाजार भी आपको घुमा दिया है। देखिएगा छोटे बड़े सभी तरह के जो होते हैं छिप्पे होते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है सूरतपुर के इतवार बाजार में सभी तरह का सामान आपको मिल जाता है। देखिएगा जो हुक्के होते हैं पुराने ज़माने के जो हुक्के होते थे वो यहाँ पर बिक रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो है तासले वगैरह, तवे वगैरह, जो लोहे का सामान होता है वो सामान बिक रहा है। ये जो बाजार लगता है इतवार का, तो हर हफ्ते बाजार लगता है? जी है। तो कैसा बाजार रहता है यहाँ का बाजार? बढ़िया बाजार रहता है। तो क्या क्या आइटम मिलता है यहाँ पर? हर चीज़ मिलती है यहाँ। अच्छा अब सारी चीज़ें रहती है? तो सारी चीज़। अच्छा तो आप क्या क्या बेचते हो? मैं जलेबी सेल पकौड़ी बेचता हूँ। अच्छा तो जलेबी क्या रुपये पाव कर रखी है आपने? 30 रुपये। देखिएगा दोस्तों ये हमारे फैन है और ये हमें इतवार बाजार के अंदर मिले हैं, किरतपुर के इतवार बाजार में। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। सो दोस्तों मैं आपका दोस्त साहिल खान एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों आज जो है फैज़ान भाई और मैं किरतपुर का बाज़ार जा रहे हैं, जहाँ से हम कुछ ज़रूरत का सामान खरीदने वाले हैं, क्योंकि ये जो है सब्जी का ठिया लगाते हैं और इनको जो है छिब्बे लेने हैं। तो दोस्तों किरतपुर के इतवार बाज़ार में एक और बाज़ार लगता है, कपड़े और काफ़ी सारे सामान होते हैं ज़रूरतमंद के। तो आइए दोस्तों आज हम वहाँ के बाज़ार की सैर कराएँगे। तो देखिएगा हम जो है इस वक्त जो है ये बिजनौर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है काम चल रहा है और बहुत खूबसूरत जो है रेलवे स्टेशन बनना है बिजनौर का। और आज जो है हम आपको किरतपुर का इतवार बाज़ार घुमाएंगे। हमने बाकी के 2-3 बाज़ार तो आपको घुमा दिए हैं, लेकिन दोस्तों ये वाला बाज़ार भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं किरतपुर के इतवार बाज़ार। सो देखिएगा दोस्तों हम यहाँ से निकलते हुए जाएंगे। ये जो है अपने बिजनौर का, ज़िला बिजनौर का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार होके जो है रेलवे स्टेशन बनना है। और चलिए दोस्तों हम जो है आपको किरतपुर से, किरतपुर की सैर कराएंगे और आपको यहाँ का रास्ता भी दिखाते हुए लेके जाएंगे हम किधर से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम आपको लेके चलते हैं किरतपुर। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है स्टेशन रोड है और यहीं से हम आपको जो है किरतपुर ले जाने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों हम स्टेशन रोड से जो है अब हम नज़ीराबाद रोड पर जाएंगे, क्योंकि इसी रोड पर जो है किरतपुर पड़ता है। ये देखिएगा नज़ीराबाद रोड आ गया है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है नज़ीराबाद रोड है, नज़ीराबाद बिजनौर रोड, और हम जो है सेंट मैरी स्कूल से पहुंच गए हैं। सेंट मैरी स्कूल से ही ये देखिए सेंट मैरी स्कूल है और यहाँ से जो है ये चौराहा पड़ता है, आपको कहीं नहीं मुड़ना है, आपको सीधा जाना है। ये देखिएगा सेंट मैरी स्कूल है। हमारे पास काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि ये किरतपुर कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों इसी के मुताबिक हमने ये वीडियो बनाया। देखिए ये सेंट मैरी स्कूल है, तो आपको सेंट मैरी स्कूल से सीधा जाना है, कहीं नहीं मुड़ना है। तो देखिएगा यहाँ से जो आपको ऐसा बोर्ड नज़र आएगा, यहाँ से जो है किरतपुर 13 किलोमीटर जो है किरतपुर आपको यहाँ से पड़ेगा। तो देखिए बीजेपी कार्यालय भी आपको रास्ते में पड़ता है। और दोस्तों थोड़ी सी दूर चलने के बाद आपको जो है पेट्रोल पंप पड़ जाएगा। देखिएगा अगर आपको गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलाना है तो आगे चल के आपको पेट्रोल पंप पड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो है देखिएगा यहाँ से टोल रोड आराम हो जाता है NH 34, जो यहाँ से अपने बिजनौर से और जल्लाबाद तक, नज़ीराबाद के करीब तक, ये जल्लाबाद तक NH 34 बना है और काफ़ी शानदार, काफ़ी खूबसूरत। ये देखिएगा ये दिल्ली पब्लिक स्कूल से पहले जो पड़ता है टोल रोड शुरू हो जाता है और यहीं से जो है NH 34 फोर लाइन हाईवे बन रहा है और काफ़ी खूबसूरत फोर लाइन हाईवे है। तो दोस्तों आज जो है हम आपको NH 34 की सैर कराएंगे और NH 34 से आपको हम किरतपुर लेके जाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं कि आप जो है किरतपुर NH 34 से किरतपुर आप कैसे पहुँचेंगे। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है यहाँ से जो है ये NH 34 चल रहा है और हम आपको जो है NH 34 से ही आज आपको किरतपुर ले जाने वाले हैं और दिखा रहे हैं आपको NH 34 किरतपुर आपको किस तरह से लेकर जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा जैसे आप रोड पर NH 34 पर चलेंगे तो ये कुछ इस तरह का आपको रोड नज़र आ जाएगा। तो दोस्तों जो पुराना रास्ता था, देखिएगा ये जो साइड में रास्ता है ये भी आपको किरतपुर लेकर जाएगा। ये दोस्तों ये नीचे के रास्ते से हाईवे से नहीं जाएगा, ये जो बाजू वाला रास्ता है ये आपको नीचे से गाँव में, एक गाँव आएगा और गाँव से होता है आपको जो है ये किरतपुर लेकर जाएगा। तो दोस्तों देखिएगा हम जो है ये नीचे वाला रास्ता इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम आपको हाईवे दिखाने वाले हैं, ये NH 34 दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों देखिएगा कितना शानदार ये हाईवे है और हम आपको जो है आज NH 34 से ही आज किरतपुर लेके जाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप नीचे से होते जाते
तो एक गांव पड़ता है, तो आप सुहेड़ी गांव पड़ता है, सुहेड़ी गांव से आप होते हुए जाते हैं। और लेकिन हम आपको जो है आज NH 34 दिखाने वाले हैं, तो देखिए कितना शानदार होके बन रहा है और किस तरह बन रहा है और क्या बन गया है, क्या क्या काम बाकी रह गया है, ये सब आपको दिखाने वाले हैं। और कहाँ तक ये बन गया है और कितना इसका काम बाकी रह गया है, ये सब हम आपको जो है किरतपुर दत्त दिखाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा नजीबाबाद छितावर, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का बोर्ड नज़र आएगा। और आगे चल के जो है यहाँ पर टर्न भी है, टर्न पड़ता है दोस्तों, और यहाँ से भी आपको दो रास्ते नज़र आ जाएंगे। तो आपको कौन से रास्ते पर जाना है ये हम आपको आपको बताने वाले हैं। देखिएगा यहाँ से ये टर्न है, तो दोस्तों अगर आप नीचे की तरफ जाना चाहते हैं, नीचे के रास्ते से जाना चाहते हैं, गांव पड़ता है ये, तो आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिएगा रोड जो है ये आप नीचे से भी आप किरतपुर पहुँच जाएंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको जो है हाईवे दिखा रहे हैं, NH 34 जो है ये पौड़ी मेरठ हाईवे है। देखिएगा दोस्तों हम अब आपको जो है किरतपुर की हद में लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों देखिएगा जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे, ये आपको जो ग्रिल नज़र आ रहा है, तो ये NH 34 आगे से इन्होंने यहाँ से ये वाला रास्ता बंद कर रखा है। और दोस्तों हमें किरतपुर जाना है, तो देखिएगा दोस्तों हम नीचे की साइड में आ जाएंगे, हम हाईवे को छोड़ देंगे। देखिएगा इस तरह का कुछ बोर्ड नज़र आएगा आपको अगर किरतपुर जाना है। और देखिएगा आप जो है किरतपुर के लिए आप जो है अब ये रास्ता आपको सीधा किरतपुर लेके जाएगा। ये देखिए जो ब्रिज है और जो हाईवे था NH 34 ये हमने छोड़ दिया है और हम आपको जो है किरतपुर लेके जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि है ये आपको रोड हाईवे है, हाईवे से हम नीचे आ गए हैं। और देखिएगा ये किरतपुर का आपको जो है बोर्ड नज़र आ जाएगा क्योंकि हम किरतपुर की हद में आ गए हैं। दोस्तों जैसे कि हम किरतपुर पहुंचने वाले हैं, तो दोस्तों ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा है, पुल नज़र आ रहा है, इसके ही करीब में देखिएगा यहाँ पर जो पशु बाजार लगता है, पशु बाजार होता है किरतपुर, काफ़ी चीज़ों के बाज़ार लगते हैं। देखिएगा जैसे ही हम किरतपुर की हद में पहुँचते हैं और ये ब्रिज आपको नज़र आएगा, ये पुल आपको नज़र आएगा, तो यहाँ से ही शुरू से ही देखिएगा यहाँ पर इतवार के दिन ये पशु बाज़ार होता है। देखिएगा यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है पशु का। और देखिएगा दोस्तों हम जो है अब किरतपुर की हद में पहुंच गए हैं और किरतपुर आपको दिखाते हुए जा रहे हैं। देखिए जो है किरतपुर का बाहर का एरिया है, बाहर का हिस्सा है। देखिएगा दोस्तों तो आप किरतपुर की शहर गिरेगा, जैसे ही आप किरतपुर में पहुंचेंगे तो कुछ इस तरह का आपको जो है शानदार खूबसूरत और अच्छा पेड़ पौधों से लगा हुआ किरतपुर नज़र आएगा। देखिएगा और ये देखिएगा हम जैसे जैसे अंदर चले जा रहे हैं, यहाँ का बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत जो है किरतपुर आपको जो है देखने को मिल जाएगा। देखिएगा दोस्तों ये यहाँ पर किसी तरह का मील है, गन्ना मिल हो सकता है, क्रशन हो सकता है, किसी तरह का जो है क्रशन है। और देखिएगा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे बाग वगैरह, बगीचे वगैरह हैं। और यहाँ पर जो है दोस्तों काफ़ी बाज़ार लगते हैं। देखिए पहले नंबर पर तो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर जो है पशुओं का बाज़ार लगता है, पशु बाज़ार। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो है बकरा बाज़ार लगता है। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर मुर्गों का बाज़ार लगता है, कबूतरों का बाज़ार लगता है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर जो है एक साप्ताहिक बाज़ार लगता है, इतवार बाज़ार। यहाँ पर जो है कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कपड़ा, हर तरह का जो है यहाँ पर सामान आपको मिल जाता है, जैसे घरेलू सामान होते हैं, कपड़ा, खाने का सामान, और हर तरह का जो है यहाँ पर आपको सामान मिल जाता है। तो देखिएगा दोस्तों हम जो है किरतपुर में पहुँच गए हैं। ये देखिए हम जो है किरतपुर बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। और यहीं से जो है बसी किरतपुर के नाम से जो है ये किरतपुर पड़ता है और काफ़ी खूबसूरत किरतपुर है। तो आज जो है हमको आपको जो है किरतपुर की सैर कराने वाले हैं और दिखाने वाले हैं यह बाज़ार कैसा होता है। इतवार का जो साप्ताहिक बाज़ार होता है, किरतपुर इतवार साप्ताहिक बाज़ार जो होता है, वो कितना शानदार बाज़ार लगता है और यहाँ के लोग कैसे हैं और कितनी मेल मोहब्बत से यहाँ से रहते हैं आपको दिखाएंगे। और हम आज आपको जो है पूरा जो है ये घुमाने वाले हैं यहाँ का जो है इतवार बाज़ार होता है। तो देखिएगा दोस्तों हम जो है बाज़ार में पहुँच गए। तो दोस्तों देखिएगा हम जो है इस वक्त किरतपुर आ गए हैं। ये देखिएगा किरतपुर इतवार बाज़ार, क्योंकि यहाँ पर इतवार के दिन बाज़ार लगते हैं, कबूतर का बाज़ार, मुर्गों का बाज़ार, बकरों का बाज़ार और एक साप्ताहिक बाज़ार होता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर जो है हमें कुछ काम है, छिपे वगैरह लेने हैं। तो दोस्तों आइए हम आपको जो है आज इतवार बाज़ार की पूरी सैर कराएंगे, इतवार किरतपुर की पूरी सैर कराएंगे। तो दोस्तों देखिएगा हम जो है किरतपुर पहुँच गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों हम जो है किरतपुर में पहुँच गए हैं और किरतपुर का हम आपको जो है किरतपुर की सैर कराएंगे। तो देखिएगा दोस्तों हम इस पर जो है बसी किरतपुर चौराहे पर पहुँच गए हैं। तो देखिएगा दोस्तों इधर की साइड में जो है ये जो साप्ताहिक बाज़ार होता है वो बाज़ार लगता है। और ये देखिएगा दोस्तों आगे जो है दोस्तों देखिएगा बकरे का बाज़ार लग रहा है। ये यहाँ पर जो है संडे के दिन इतवार बाज़ार बकरा मंडी के नाम से यहाँ पर जो है बाज़ार लगता है। देखिएगा दोस्तों ये जो है बकरा बाज़ार लग रहा है। देखिएगा दोस्तों और आगे चल के जो है काफ़ी सारे जिस चीज़ के हम आए थे छिप्पो वगैरह खरीदने के लिए, टोकरी वगैरह खरीदने के लिए, वो बाज़ार लगता है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ से जो है ये बकरा बाज़ार लग रहा है। देखिएगा दोस्तों ये देखिएगा ये जो है यहाँ पर बकरा बाज़ार लग रहा है। ये देखिएगा जो है ये बकरा मंडी किरतपुर की काफ़ी बड़ी मंडी लगती है किरतपुर की। देखिएगा दोस्तों तो देखिएगा दोस्तों इधर की साइड में जैसा कि ये इधर की साइड बाज़ार लग रहा है,
बकरों का बाजार लग रहा है। और इसी तरह से जो है साप्ताहिक बाजार होता है जो इतवार बाजार यहाँ पर लगता है। यहाँ पर कपड़े, फल फ्रूट, मसाले वगैरह का, और यहाँ पर काफ़ी बड़ा बाज़ार लगता है। ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है, देखिए काफ़ी बड़ा बाज़ार जो है इस वक्त बकरों का भी लग रहा है क्योंकि इस टाइम जो है ईद का मौका चल रहा है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है आगे तक जो होता है बाज़ार, ये साप्ताहिक बाज़ार होता है, इतवार के दिन यहाँ पर तो बाज़ार लगता है। और दोस्तों देखिएगा इधर जो है कुछ खाने पीने की जो है हलीम चावल वगैरह, हलीम बिरयानी वगैरह की दुकान लगी हुई होती है देखिएगा। और काफ़ी बैठने की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है देखिएगा इस तरह से। और ये देखिएगा यहाँ पर जो है ये इस तरह से बैठा कर खिला रहे हैं, काफ़ी अदब एहतराम के साथ जो है यहाँ पर खाना खिलाया जाता है। देखिएगा जैसे कि मैं आपको दिखा दिया है बाज़ार, चारों तरफ बाज़ार लग रहा है ये। तो आइए हम इनसे बात करेंगे यहाँ पर कितने प्लेट, कितने रुपए की प्लेट देते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये देखिएगा दोस्तों ये जो है यहाँ पर कितना अदब एहतराम के साथ ये नीचे बैठा कर खाना खिलाते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आलम। आलम भाई कहाँ से हो आप? नूरपुर। नूरपुर से? तो नूरपुर से आप जो है यहाँ पर रोज ये क्या बेचते हो आप यहाँ पर? तारी बिरयानी हलीम चावल बेचते हैं। तारी बिरयानी हलीम चावल, तो रोज आते हो आप यहाँ पे? हर हफ्ते आते हो नूरपुर से? तो जो है कितने रुपए की प्लेट बेचते हो आप? प्लेट 30 की, 40 की, 50 की, जैसे भी हो। 30 की, 40 की, 50 की। अच्छा तो कैसा जाएगा होता है इसका? ये तो ग्राहक ही बताएंगे। तो देखिएगा ये यहाँ पर काफी सारे खा रहे हैं, तो इनसे खाने वाले से बात करेंगे और पता करेंगे किस तरह का टेस्ट होता है। तो दोस्तों देखिएगा ये कुछ जो है खा रहे हैं और काफी अच्छा टेस्ट बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये एक शख्स बैठा, हजरत साहब बैठे हुए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह करे जी, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? फखरुल हसन। जी कहाँ से हो आप? मैं मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ। जी मुजफ्फरनगर, तो यहाँ क्या करने के लिए आए थे आप? बकरों का व्यापार करता हूँ। बकरों का व्यापार करते हैं जी। तो आजकल कैसा बाजार चल रहा है बकरों का? बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा ईद का मौका चल रहा है, बकरा ईद का मौका चल रहा है, तो अच्छा बिक रहा है। बहुत अच्छा माल है, कैसी क्वालिटी का ले लो सब अच्छी तरह मिलता है। अच्छा तो जैसा कि आप यहाँ पर बैठे हैं तो ये जो हलीम चावल बेच रहे हैं, तो ये आप हर हफ्ते आप आते हो आप यहाँ पर? नहीं हर हफ्ते तो नहीं आते लेकिन आते रहते हैं। तो अच्छा तो आपने यहाँ के हलीम बिरयानी खाई? माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाते हैं नूरपुर वाले हैं। अच्छा फेमस है ये? जी हैदराबाद वाले। अच्छा तो देखिएगा काफ़ी अच्छी जो है इनकी तारी बिरयानी होती है ये बता रहे हैं। और देखिएगा ये जो है मैंने आपको बाज़ार दिखा दिया है, ये भाई है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है किरतपुर का बाज़ार होता है, यहाँ पर साप्ताहिक बाज़ार लगता है और यहाँ पर कपड़े, सब्जियाँ, फल फ्रूट और काफ़ी सारे यहाँ पर आपको जो है ज़रूरत के सामान मिल जाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है काफ़ी बड़ा बाज़ार होता है, कभी और हम आपको घुमाएंगे। देखिएगा काफ़ी बड़ा बाज़ार रहता है। तो आइए दोस्तों हम जिस काम के लिए हम आए हैं हम वहाँ पर चलते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये किरतपुर के इतवार बाज़ार में यहाँ पर जो साप्ताहिक बाज़ार लगता है, तो एक भाई की दुकान लगी है। देखिए यहाँ पर ये क्या क्या आइटम बेचते हैं, देखिएगा पकौड़ी है, सैल है और जलेबियाँ हैं। तो आइए इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। कहाँ से हो? यहाँ से ही, किरतपुर से। किरतपुर से जी। तो ये जो बाजार लगता है इतवार का, तो हर हफ्ते बाजार लगता है जी? है। तो कैसा बाजार रहता है यहाँ का बाजार? बढ़िया बाजार रहता है। तो क्या क्या आइटम मिलता है यहाँ पर? हर चीज मिलती है यहाँ। अच्छा अब सारी चीजें रहती है? तो सारी चीज। अच्छा तो आप क्या क्या बेचते हो? मैं जलेबी, सेल, पकौड़ी बेचता हूँ। अच्छा तो जलेबी क्या रुपए पाव कर रखी है आपने? 30 रुपए पाव। 30 रुपए पाव। और पकौड़ी? पकौड़ी 40 रुपए पाव। 40 रुपए पाव। और सेल? 50 रुपए पाव। अच्छा हर हफ्ते लगाते हो आप जी? तो देखिएगा भाई की दुकान है और यहाँ पर जो है सेल, पकौड़ी, जलेबी और देखिएगा आगे जो है ये इसी तरह का जो है बाज़ार लगता है किरतपुर बाज़ार जो होता है। तो दोस्तों ये जो है इतवार बाज़ार, साप्ताहिक बाज़ार जो लगता था वो बाज़ार लग रहा है और ये साइड में बकरा बाज़ार लग रहा है। जैसा कि हमने दोस्तों दिखाया है यहाँ पर जो खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है और बैठने का इंतज़ाम काफ़ी सुन्नत तरीके से कर रखा है बैठ के जो है। तो दोस्तों देखिएगा हमें जो है, मैंने आपको जैसे वीडियो में पहले बता दिया था कि हमको छिप्पे लेने हैं जो टोकरे होते हैं, ये हमारे किसान भाई हैं तो इनको जो है। तो दोस्तों देखिएगा हम जो है किरतपुर के इतवार बाज़ार आए थे और ये हमारे काफ़ी सारे फ़ैन हैं, ये बता रहे थे कि हमने आपको जो है काफ़ी इतवार बाज़ार में देखा है, कबूतर बाज़ार और मुर्गे बाज़ार में, तो हमारी भी हमें भी ले लीजिएगा, हम आपके फ़ैन हैं। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है हमारे सब चाहने वाले हैं और इन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है। तो आइए दोस्तों हम जिस काम के लिए आए थे हमें छिप्पे लेने थे, तो देखिएगा दोस्तों हम छिप्पे लेने चलते हैं। तो दोस्तों जो वो जलेबी वाले थे वो भी जानने वाले निकले और ये जो है ये बच्चे मिल गए थे, कुछ लड़के मिल गए थे, फ़ैन बोल रहे थे कि आपको हमने काफ़ी बाज़ार के अंदर देखा और हम आपकी वीडियो देखना चाहते हैं क्योंकि हम आपको जो है अधिकतर जो है किरतपुर में देखते हैं, तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उनको दोस्तों चैनल बताया और जैसा कि हमने अपनी वीडियो में दिखा दिया। तो दोस्तों हम जो है छिप्पे लेने के लिए आए हैं, तो ये बाज़ार जो है काफ़ी तरह का सामान यहाँ पर जो है बिकता है। तो आइए दोस्तों हम जो है आपको छिप्पे के रेट दिखाते हैं, जो टोकरे होते हैं वो हम टोकरे लेने के लिए आए हैं, तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर किस रेट में मिल रहे हैं।
तो देखिएगा दोस्तों, ये जो है रोड के दोनों ओर जो है बाजार लगता है। तो देखिएगा ये सामने भी टोकरे रखे हैं और ये भी टोकरे रखे हैं। तो देखिएगा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर है या नहीं है। देखिएगा चाचा छिब्बे हैं क्या? छिब्बे देखिएगा, इनके पास छिब्बे नहीं है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर तो छिब्बे है नहीं है। तो देखिएगा दोस्तों ये जो है इतवार बाज़ार उधर भी भरता है, और ये देखिए रोड के दोनों तरफ दुकानें लगी रहती हैं। ये देखिएगा ये तरबूज, उधर तरबूज बेच रहे हैं, और ये देखिएगा ये मूड़े वगैरह, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर जो है मूड़े रखे हैं। और ये देखिएगा काफ़ी आइटम इनके पास, काफ़ी सामान जो है इनके पास है। ये देखिएगा बांस की लकड़ियों से बनने वाले काफ़ी सामान इनके पास होते हैं। देखिएगा ये टोकरी भी इनके पास है। देखिएगा ये साइडों में जो है, ये देखिए चप्पल कितने प्यारे प्यारे यहाँ जो है बच्चों के चप्पल बिक रहे हैं। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत। भैया कितने रुपए जोड़ी दे रहे हो? 100 रुपए जोड़ी। तो देखिएगा कितने प्यारे चप्पल 100 रुपए जोड़ी यहाँ पर जो आपको इतवार बाज़ार में मिल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर जो है जोधपुर के इतवार बाज़ार में सभी तरह का सामान आपको मिल जाता है। देखिएगा जो हुक्के होते हैं, पुराने ज़माने के जो हुक्के होते थे वो यहाँ पर बिक रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर जो है तासले वगैरह, तवे वगैरह, जो लोहे का सामान होता है वो सामान बिक रहा है। देखिएगा काफ़ी तरह का यहाँ पर आपको जो है सामान मिल जाता है। देखिएगा तो दोस्तों गर्मी काफ़ी हो रही है, और देखिएगा यहाँ पर जो है गन्ने का रस बिक रहा है। तो आइए दोस्तों हम एक गिलास गन्ने का रस पी लेते हैं। देखिएगा दोस्तों गन्ने का रस पी रहे हैं हम, काफ़ी गर्मी हो रही है। एक और लगा दो। दोस्तों गर्मी काफ़ी हो रही है और पसीना आ गया था, बाज़ार के अंदर भीड़ काफ़ी थी। देखिएगा दोस्तों गन्ने का गिलास लिए है, गन्ने का रस पी रहे हैं हम। तो दोस्तों थोड़ा सा गन्ने का रस ठंडा हो रहा था तो थोड़ा सा जो है ठंडक मिली। देखिएगा ये जो है किरतपुर का इतवार बाज़ार है, और काफ़ी जो है गर्मी की शिद्दत काफ़ी हो रही है दोस्तों। तो दोस्तों देखिएगा ये जो है इस तरह के छिब्बे होते हैं, मिल गए बाज़ार में ढूंढ कर। तो देखिएगा दोस्तों इनको जो है छिद्दे वाले जो है छिब्बे बोलते हैं, इनको जो है टोकरे होते हैं, ये तो एक तरह टोकरा होता है, छिब्बे होते हैं। तो देखिएगा ये जो है हम छिब्बे लेने के लिए आए हैं। देखिएगा दोस्तों ये जो है जिस तरह का छिब्बा होता है, और ये छिब्बे लेने के लिए आए थे, और हमने बाज़ार भी आपको घुमा दिया है। देखिएगा छोटे बड़े सभी तरह के जो होते हैं छिब्बे होते हैं। तो देखते हैं इनका क्या रेट बताते हैं, कितने का देते हैं ये। देखिएगा ये जो है छिब्बे हैं। देखिएगा दोस्तों ये जो निशान भाई ने हमारे ले रखा है ये 70 रुपये का बता रहे हैं। देखिएगा ये जो है 70 रुपये का बता रहे हैं, और ये जो है ये 110 रुपये का बता रहे हैं। देखिएगा ये जो है छिब्बे होते हैं, इस सहसूत की टहनियों से, डंडियों से जो है इनको चीर कर बनाया जाता है। देखिएगा दोस्तों इनके पास हर तरह की जो है टोकरी होती है। देखिएगा तो दोस्तों गर्मी काफ़ी हो रही है, और जो है छिब्बे हमें नहीं मिले हैं, जो हम टोकरे छिब्बे लेने के लिए आए थे वो मिले नहीं हैं। तो दोस्तों हमने आपको जो है किरतपुर का जो बाज़ार होता है वो बाज़ार घुमा दिया है। ये दोस्तों ये जो बाज़ार होता है साप्ताहिक बाज़ार, तो ये शाम के नंबर में ज़्यादा लगता है, क्योंकि सुबह सुबह अभी तो दुकानदार आ रहे हैं। तो दोस्तों ये था किरतपुर का इतवार बाज़ार जो हमने आपको पहली बार दिखाया। हम छिब्बे लेने के लिए आए थे लेकिन छिब्बे मिले नहीं हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में तो दोस्तों इतना ही। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।